हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे टी टाइम स्नैक रेसिपी, जिसे आप 1 से 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं। तो ऐसी और रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना टी टाइम स्नैक। या मसालेदार नमक पारे बनाने के लिए एक बोल में 1.5 कप आटा लेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप सूजी, 1/2 टीस्पून अजवाइन। इस तरह हाथों से रगड़ कर डालें, इससे खुशबू अच्छी आएगी। 1/4 टीस्पून जीरा, 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून या टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, 1/2 कप फ्रेश मेथी के पत्ते और 3 टेबलस्पून ऑयल। अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह बांध कर देखेंगे मोइन सही है या नहीं। अगर इस तरह बनता है तो मोइन सही डला है। अब 1/2 कप पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सख्त डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इतना आटा गूंदने में मुझे पूरा 1/2 कप पानी लग गया है। आपका पानी कितना लगेगा आप देख कर डालें, कई बार 1 टेबलस्पून पानी बच भी जाता है। ये आटे पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना फाइबर है। तो अब इस पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये ड्राई ना हो और ढककर 15 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब इसे एक बार और नीड करेंगे और 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पेड़ा बनाएंगे, और बेल लेंगे रोटी की तरह। ऑयल अप्लाई करेंगे थोड़ा सा और इसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे। और इस तरह रोल करेंगे और इस तरह 4 से 5 टुकड़ों में कट कर लेंगे। और अब एक पीस को इस तरह प्रेस करेंगे, इसी तरह सारे दबाकर तैयार कर लेंगे और इन पर ऑयल लगाएंगे और इस तरह एक के ऊपर एक सारे प्रेस किए हुए पेड़ों पर रखेंगे और हाथों से दबाकर इस तरह तैयार कर लेंगे। इस तरह से करने से नमक पारे फूलते नहीं है, मींस अंदर से खाली नहीं बनेंगे। और अब इन्हें बेल लेंगे, और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना और बहुत पतला भी नहीं बेलेंगे। अब इनके साइड्स कट कर देंगे, इन्हें भी बाद में अलग से फ्राई कर लेंगे और अब इस तरह से कट करके तैयार कर लेंगे। शेप आप अपनी पसंद से कोई भी दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तो एक कढ़ाई में ऑयल गर्म करेंगे, ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, मीडियम हॉट करेंगे। तो ऑयल गर्म हो गया है, एक बार में जितने पीसेस आए उतने डाल दें। और जब ये अपने आप ऊपर आए तो इन्हें उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें, लेकिन गैस की फ्लेम लो मीडियम रखेंगे ताकि ये अंदर से भी पक जाएं। तो ये हो गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी के भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारा टेस्टी क्रिस्पी टी स्नैक बनकर तैयार है। रेसिपी अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।